तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब भी, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो हमारे जितने भी फ्रेंड हैं अगर वो लगाते हैं स्टेटस, हमें वो कुछ अच्छे लग जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इसे मांग लिया जाए, बोलते भाई थोड़ा सेंड कर देना। तो मैं बोलना चाहूँगा, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई अलग साइट से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी कभी फ़ोन में होता है कि स्टोरेज नहीं होता है तो अच्छा से वर्क भी नहीं करता है। इसलिए मैं आज आपके लिए सेटिंग लाया हूँ, और ये सेटिंग आपके फ़ोन में ही है। आप चौंक जाएंगे जान के ये, क्योंकि आप अपने फ़ोन से ही अपना स्टेटस जो है व्हाट्सएप का आप सेव कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग लगाए हुए हैं। तो चलिए उसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। चलिए पहले हम सेटिंग में चलते हैं। अब सेटिंग में जाने के बाद हमें सबसे पहले जाना है स्टोरेज में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास है नोकिया 2 का स्मार्टफोन जिसमें फाइल मैनेजर नहीं दिया हुआ, इसलिए मुझे सेटिंग से जाना पड़ रहा है। और आपके पास फाइल मैनेजर है तो आप फाइल मैनेजर जाके वहाँ पे जो सेटिंग्स होता है उसमें जाके आप स्टोरेज में जब जाइएगा, तो उसके बाद आप इंटरनेट स्टोरेज में जाना है आपको। इंटरनेट स्टोरेज में जाने के बाद मैं अदर पे जाता हूँ, एक्सप्लोर पे। अब यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के अंदर आपको जाना है मीडिया। मीडिया के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटस, तो आपको सिंपली स्टेटस, ये पहले का मेरा जो स्टेटस था इसको नहीं, ये जो देखिए आपको एक स्टेटस दिख रहा होगा यहाँ पे, तो स्टेटस है एक स्टेटस जिसमें आपका यहाँ पे दिख रहा होगा इसके अंदर डॉट लगा हुआ है। ये देखिए मेरा यहाँ पे दो अभी इसमें वीडियो है, वीडियो फ़ोटो जो भी आया है इसमें, आप जितना भी रहता है जितने भी इसमें रहेगा वो सब आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी दो है। तो सिंपली आपको इसमें जाना है, और इसे करना ये है कि इसे टैप करना है, और प्लस इसको रिनेम में जाके ये जो फर्स्ट में आपको डॉट दिख रहा है ये आपको डॉट को हटा देना है, उसके बाद सेव कर देना है। अब मैं एक बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक कारण है, ये डॉट है, अगर आप किसी भी फाइल या फ़ोटो को आप हाइड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में ही, तो आप उसका जो नाम होता है फाइल का, फाइल का नाम को रिनेम करें, और उसमें फर्स्ट में आप डॉट लगाइए, उसके बाद ओके कर दीजिए। डॉट लगाने से क्या होता है, वो फाइल हाइड हो जाता है, और फिर से उसको अगर अनहाइड करना है तो फिर वही प्रोसेस सेम आप यूज़ कीजिए जो मैंने अभी किया, डॉट को हटा दीजिए। अब देखिए ऐसा मैंने किया, अब ये जो दो वीडियो है ये मेरा गैलरी में चला गया होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने गैलरी में जाके, मीन्स फ़ोटो में जाके। ये देखिएगा फ़ोटो में जितना भी मैंने स्टेटस से सेव करना चाहता सब हो गया होगा। ये देखिए एक, ये देखिए स्टेटस सब इसमें आ गया है, दवा देखिए सब वीडियो जो था स्टेटस वाला सब सेव हो गया। तो इस तरह से आप भी सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।